मतलब मणिपुर में फिर जो घटना हुई उस पर मैं प्रधानमंत्री जी और बड़े लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं देख रहा हूं। इतनी बड़ी बड़ी समस्या है समक्ष, लेकिन हाँ आप 24/7 चाह रहे हैं कि इस स्पेक्टिकल के तहत बाकी चीजों पर चर्चा ना हो। राम भी बहुत नाराज होंगे आपसे, अगर कोई ऐसा पैमाना होता ना तो उनका क्रोध आपको दिख गया होता। शिवपाल सिंह यादव कहता है कि मुलायम सिंह ने केवल कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया। मुझे सीधे उस वक्त जो लोग भी थे, चाहे भाजपा में हो कहीं हो, उस वक्त के न्यायालयों को देख लें, लिबरहान कमीशन को पढ़ लें, मैं और दूर की नहीं, लिबरहान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ लें। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि कई दफा किसी भी आंदोलन को डील करने के लिए, कुछ उत्तराखंड के निर्माण के समय कई जगह इस तरह के, अभी किसान आंदोलन, दूर क्यों जा रहे हैं, कितने लोग मारे गए। मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में जो न्यायालय थे, जो कोर्ट ऑर्डर थे, जो कोर्ट की ओर से डायरेक्शन थे, उसके संदर्भ में चीजों को देखिए, लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि हम लोगों ने डिक्लाइन कर दिया इन्विटेशन पर, तो वी आर कॉलिंग एंटी हिंदू, व्हाट अबाउट शंकराचार्य? नहीं देखिए, बात में तो दम है ना, शंकराचार्य लगातार बोल रहे हैं, अधीर जी हों बाकी पॉलिटिकल पार्टी के हों, मैं समझता हूं कि ये आस्था कोर्सिव मैकेनिज्म पे नहीं चलती है कि अभी अगर ये। दूसरी बात मैं ये देखता हूं कि ये ट्रस्ट अचानक से बीजेपी का ट्रस्ट कैसे हो गया, और संघ के लोग क्यों टिप्पणी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक टेलीविजन चैनल का हेडलाइन चल रहा है, राम और विकास का कॉकटेल। बताइए, प्रधानमंत्री जी को भी दुख होना चाहिए ना कि मीडिया में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि इसमें तो टेल ही टेल है, कॉक है ही नहीं, लेकिन ये हेडलाइंस चल रहे हैं हर चैनल में कमोबेश अलग, तो क्या इंगित करता है। जाहिर है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम का इस्तेमाल, आपके लिए वो राजनीतिक राम है और देश के लिए मानस के राम है। इसलिए मैंने कल भी कहा था और बार बार कहूंगा कि इस देश को बहुतायत में जरूरत है गांधी और कबीर के राम की, और जिससे भाजपा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, संघ नीलों के फासले पे खड़ा। नरेश कुमार कहते हैं कि हम लोग राम मंदिर के समर्थन में, तो कुछ लोग कहते हैं कि लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, और जो लोग अपोज कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, अपोज कौन कर रहा, अपोज तो कोई नहीं कर रहा है ना, कहाँ इंद्रेश जी सपना देखते हैं। अभी मैंने आपको एक टिप्पणी की, मैं दोबारा कहता हूँ, इंद्रेश जी टेलीविजन चैनल खंगालिए, प्रधानमंत्री जी राम मंदिर और आप लोगों के बारे में क्या टिप्पणी हो रही है, आपको वो सकारात्मक लग रही है, मुझको मेरे देश के लिए वो टिप्पणी पीड़ादायक लग रही है। मेरे प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जा रहा है कि चुनावी इससे फायदा मिलेगा उनको, ये टिप्पणी अच्छी है क्या? भारत जैसे विशाल महासागर वाले देश में आपको खुद आईना रख करके इंद्रेश जी देखना चाहिए कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम की जो संकल्पना की है। देखिए एक बात तो है ना, जय श्री राम और नाथूराम एक साथ नहीं चल सकते। गोडसे को देशभक्त बताने वाले को संसद में पहुंचाने वाले लोग क्या बात करेंगे, आईना रखिए। विरोध की रणनीति बता रहे हैं इंद्रेश कुमार। नहीं नहीं कहा, मैंने वो कहा ना, इंद्रेश जी सपना देखते हैं, विरोध की राजनीति, न्यायालय के माध्यम से सब कुछ हुआ, जो कुछ हुआ वो इतिहास का एक पटाक्षेप वहां हो गया, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि फलाने तारीख को, फिर शंकराचार्य को क्या कहिएगा। मैं भी दोहराता हूं, वो भी एंटी हिंदू, ठेका ले लिया आपने, कॉपीराइट है आपके पास, बेस्ट टाइम्स में भी कितने हिंदू आपको वोट करते हैं ये भी आकलन कर लीजिए, और जो आपको वोट नहीं करते हैं वो भी हिंदू हैं, तो प्रमाण पत्र बांट रहे हैं क्या नागपुर से आजकल। ससुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 22 तारीख को हाफ डे कर दिया गया, ठीक है, जरा बताइए कुछ, राम जहां बीजेपी स्टेट वाले हैं ईद मिलाद और नबी को हॉलीडे को क्यों कैंसिल करते हैं? मेरा सीधे तौर पर यह मानना है कि राज्य और धर्म के बारे में जो संविधान की व्याख्या है वही बरकरार रहनी चाहिए, वही हमने तय किया था संविधान सभा में, उसी को लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के चाहे अटल जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, पीवी नरसिम्हा राव, उसी दायरे में रहे। कभी कुछ गलतियां हुई, कभी कुछ ऐसे अवसर आए, लेकिन वो
चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। असल में प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर्स उनको बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये आपको पिटारा हाथ लग गया, आपको बेरोजगारी के सवाल से बचा लेगा, महंगाई के सवाल से बचा लेगा, चाइना के सवाल से बचा लेगा। जब प्रधानमंत्री जी इस ट्रैप में आ गए कि सवालों से बचने के लिए ये स्पेक्टिकल आवश्यक है, तो मैं क्या ही कहूं।